सोलन शहर में आवारा कुत्तों का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है। लगभग रोजाना सोलन अस्पताल में करीब दर्जन भर मामले ऐसे आ रहे हैं जिन पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला किया जाता है। बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले 6 दिनों में आवारा कुत्तों के काटने के कुल 42 केस सामने आए। गौरतलब है कि नगर निगम और पशुपालन विभाग अपने स्तर पर मिलकर आवारा कुत्तों के नसबंदी अभियान भी चलाते रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें वापस उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाता है। मजबूर नगर निगम के पास और कोई भी चारा नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के वरिष्ठ डॉक्टर कमल अटवाल ने क्या कहा है, आप खुद ही सुनिए। डॉग बाइट के मामले पहले भी आते रहते थे, पर आजकल जो है कुत्तों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है शहर में, और बीच बीच में पागल कुत्ते भी हो रहे हैं, पागल भी हो रहे हैं। पर प्रॉब्लम इसमें यही है कि इनका किया कुछ नहीं जा सकता, इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लगभग 15 मामले तो लगभग आते हैं पूरे दिन में जो हैं, ज़्यादा भी हो जाती है इनकी संख्या। हाँ, वो तो डोज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर जो बाइट्स हैं वो तो निरंतर हो ही रही हैं। और लोगों के लिए मैसेज तो यही है कि एक तो जब भी घूमने निकलें तो कम से कम अपने लिए ये देख लें कि कुत्ते की संख्या ज़्यादा हो तो थोड़ा दूर से बच के निकलें। दूसरा, हाथ में कोई डंडा छड़ी लेके ही, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे जो निकलते हैं उन्हीं पे ज़्यादा हो रहे हैं, या बच्चे हैं उनको अकेले ना भेजें ऐसी जगहों पे जहाँ कुत्तों की संख्या ज़्यादा है। सोलन शहर में आवारा कुत्तों का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है। लगभग रोजाना सोलन अस्पताल में करीब दर्जन भर मामले ऐसे आ रहे हैं जिन पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला किया जाता है। बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले 6 दिनों में आवारा कुत्तों के काटने के कुल 42 केस सामने आए। गौरतलब है कि नगर निगम और पशुपालन विभाग अपने स्तर पर मिलकर आवारा कुत्तों के नसबंदी अभियान भी चलाते रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें वापस उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाता है। मजबूर नगर निगम के पास और कोई भी चारा नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के वरिष्ठ डॉक्टर कमल अटवाल ने क्या कहा है, आप खुद ही सुनिए। डॉग बाइट के मामले पहले भी आते रहते थे, पर आजकल जो है कुत्तों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है शहर में, और बीच बीच में पागल कुत्ते भी हो रहे हैं, पागल भी हो रहे हैं। पर प्रॉब्लम इसमें यही है कि इनका किया कुछ नहीं जा सकता, इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लगभग 15 मामले तो लगभग आते हैं पूरे दिन में जो हैं, ज़्यादा भी हो जाती है इनकी संख्या। हाँ, वो तो डोज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर जो बाइट्स हैं वो तो निरंतर हो ही रही हैं। और लोगों के लिए मैसेज तो यही है कि एक तो जब भी घूमने निकलें तो कम से कम अपने लिए ये देख लें कि कुत्ते की संख्या ज़्यादा हो तो थोड़ा दूर से बच के निकलें। दूसरा, हाथ में कोई डंडा छड़ी लेके ही, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे जो निकलते हैं उन्हीं पे ज़्यादा हो रहे हैं, या बच्चे हैं उनको अकेले ना भेजें ऐसी जगहों पे जहाँ कुत्तों की संख्या ज़्यादा है।